एवरीवन, देखते हैं आपके रिलेशनशिप की आज की एनर्जी कैसी रहने वाली है। आप किस एनर्जी में रहेंगे अपने पार्टनर को लेकर एंड आपके पार्टनर किस एनर्जी में रहने वाले हैं आपको लेकर, तो निकालेंगे दो कार्ड्स आपकी तरफ। राइट साइड आपकी एनर्जी होगी एंड लेफ्ट साइड है आपके पर्सन की एनर्जी इस रिश्ते को लेकर। ठीक है, आपकी तरफ जो फर्स्ट कार्ड आया है दैट इज एम्परर एंड द मून। आज के दिन में आप अपने पार्टनर से नाराज हो सकते हैं किसी बात को लेकर, अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं। इवन यहां पे एनर्जी है कि आप अपने पार्टनर के गुस्से से बहुत ज्यादा नाराज हो जाएं, पार्टनर के बिहेवियर को लेकर रूड एनर्जीज आपके अंदर डेवलप हो जाएं, या कोई फादर फिगर आपका मूड खराब कर दे जिसकी वजह से आपको इस रिश्ते को लेकर टेंशन हो जाए। ठीक है, आप गुस्से से डील कर सकते हैं, आप ईगो में आ सकते हैं, चिड़चिड़ कर सकते हैं बहुत ज्यादा। जैसे आपको अपने पार्टनर की कोई बात बुरी लग जाए या पार्टनर आपके साथ बिहेवियर अच्छा ना करे तो उसका बदला डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप निकाल लें। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को शो नहीं करेंगे। आपके अंदर इमोशंस बहुत होंगे लेकिन आप अपने पार्टनर को ऐसा दिखाएंगे कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, मुझे तुम्हारे होने से या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मैस्कुलिन होते हुए दिख रहे हैं लेकिन बड़ी अजीब सी एनर्जी है। अजीब इसलिए है क्योंकि एम्परर इज ऑलरेडी अ मैस्कुलिन एनर्जी और मून एक फेमिनिन एनर्जी है, तो ऐसे में आप अपने इमोशंस को कैसे बैलेंस करेंगे इस बात का खास ख्याल रखिएगा। क्योंकि आप किसी बड़े इमोशन को, बड़े इमोशनल एनर्जी को सप्रेस न करने लग जाए गुस्से की वजह से, झगड़े की वजह से, क्योंकि ये चीज अगर बढ़ती है तो सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो अगर आपको बहुत लगता है तो किसी से शेयर जरूर करिएगा, ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो सकता है आपके साथ में। ठीक है, नेक्स्ट आपके पार्टनर की तरफ जो कार्ड्स आए हैं दैट इज राधे कृष्णा एंड द स्ट्रेंथ। इनकी एनर्जी आपको लेकर पॉजिटिव है लेकिन आप नाराज दिख रहे हैं। या तो आपका मसला कमिटमेंट को लेकर हो सकता है आज के दिन में, कि आपसे प्यार से बात करें और आप कहें कि नहीं मुझे कमिटमेंट ही चाहिए, मुझे तो शादी की गारंटी चाहिए, तो यहां पर आप लोगों के बीच में तनाव क्रिएट हो जाए। और आपका भी इसलिए कि आपको घर से कोई ट्रिगर मिल जाए, मदर से, फादर से, ब्रदर से। ठीक है, राधे कृष्णा की एनर्जी है तो पार्टनर आपकी तरफ यूनियन से रिलेटेड कोई स्ट्रेंथफुल एक्शन ले सकते हैं। बहुत मेहनत करें आपके साथ रियूनियन में आने के लिए, अच्छे से बात करें, आपसे शेयर करें कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके आपको छोड़कर आप कहीं नहीं जाना चाहते, आपके साथ रहना चाहते हैं। अनएक्सपेक्टेडली 4 से 6 घंटे के अंदर, 8 घंटे के अंदर आपको इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। ये एक इंटेंस एनर्जी आपके साथ इस कनेक्शन में फील कर सकते हैं आज के दिन में। इवन आप इनके ड्रीम्स में आए या ये आपके ड्रीम्स में आए, बट ये ड्रीम चैनलिंग जो है ये जिनको होगी वो ये बताएंगे मुझे। आपके पार्टनर आपको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली कि मैंने तुम्हें ड्रीम में देखा या मैंने तुम्हारे साथ अपनी शादी होते हुए देखी। कुछ विविड एनर्जी है ये। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी में आपको लेकर बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स नजर आ रही हैं, प्यार नजर आ रहा है, स्पेशली ट्रू लव की वाइब्रेशन है और इस रिश्ते के लिए स्ट्रेंथ, जुनून, करेज दिख रहा है। आपकी तरफ ये कोई ऐसा बल लगा सकते हैं इस रिश्ते में जो आपको रियूनाइट करे या आप लोगों के बीच में इक्वालिटी को क्रिएट करे। एक और कार्ड दीजिए जरा एंजल्स, डेविल। ओके, या आज के दिन में आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील कर सकते हैं। इन्हें आपके खिलाफ कोई भड़काए, इनका दिमाग नेगेटिव करने की कोशिश करे तो ये उसके ऊपर भी नाराज हो सकते हैं। आपके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखेंगे, मैनिफेस्ट बहुत ज्यादा करेंगे और आपको स्पाई करेंगे। ये पॉजिटिव बहुत ज्यादा होंगे। इवन अगर ये आपसे बातचीत करते हैं ना, नो कॉन्टैक्ट वालों के पार्टनर स्पाई ज्यादा करेंगे और जो लोग कॉन्टैक्ट में है ऑलरेडी आपको डांट सकते हैं आपके क्लोथ्स के ऊपर, स्टाइलिंग के ऊपर। बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं कि मुझे तुम्हारा किसी के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता है, तुम किसी को भी देखो तुमने ये क्यों लगाया है, वो क्यों क्या है। तो आपको ऐसा लगे कि यार ये तो बड़ा बेकार आदमी है, ये मुझे कंट्रोल कर रहा है या कर रही है। तो ये भी एनर्जी आपके पर्सन की है। इनको कोई नेगेटिवली मैनिपुलेट कर सकता है लेकिन ये चुप नहीं रहेंगे। इनके दिल दिमाग में आप आज चढ़े रहने वाले हैं अच्छे से। ओवर थिंकिंग में आप, हर बार सोचना, डे ड्रीमिंग में आप इस कनेक्शन को लेकर बहुत कुछ सोचेंगे। इवन यहां पर लकी वंस का रिकंसिलेशन हो सकता है जिसके साथ भी एनर्जीज रेजोनेट करें। जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सो गाइज, ये थी आपकी रिलेशनशिप की आज की एनर्जी।
होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।